पीपल इज एनफ फॉर अस, पहले पहचानना, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड फेस ऑफ डीएक्सएन, आप डीएक्सएन को चेहरा हो, आप कौन हो डीएक्सएन का चेहरा, चेहरा कैसा रहेगा डीएक्सएन का, कैसा रहेगा, चकाचक रहेगा, खुश रहेगा, दुख नहीं रहेगा, फ्यूचर के बारे में कॉन्फिडेंट का साथ रहेगा। सो फ्यूचर क्या होने वाला है, आप लोगों का फ्यूचर कहां जाने वाला है। सो नाउ फॉर द फ्यूचर वी अडॉप्ट दिस स्ट्रैटेजी, न्यू नॉर्मल। क्या है ये न्यू नॉर्मल? न्यू नॉर्मल, न्यू नॉर्मल का मतलब क्या है, जो कोविड आया था, यू नो मास्क, कोविड का पहले मास्क कब पहनते थे आप लोग, कब पहनते थे, ओनली हॉस्पिटल में या कभी कभी बाथरूम क्लीन करने के टाइम, इस वक्त टाइम में थोड़ा मास्क पहन लेते, सही है ना। हॉस्पिटल में भी लोग पहनते थे, नहीं पहनते थे, ओनली इफ यू गो टू आईसीयू और जोर जबरदस्ती पहनाता था, अदरवाइज हम फैक्ट्री में जाते थे, मलेशिया फैक्ट्री, तब आपको मास्क पहनाया गया था, वो एक नॉर्मल नहीं था, वो क्या नहीं था, नॉर्मल नहीं था, वो एक अजीब सा एक जगह था जो हम नॉर्मल नहीं करना चाहते, बट सिचुएशन ऐसा पैदा हुआ विदाउट मास्क एक भी बंदा बाहर नहीं था, और क्या हुआ, जो चीज अजीब सा था वो चीज नॉर्मल बन गया, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड न्यू नॉर्मल, नया नॉर्मल, जो चीज हम कभी कभी करते थे वो चीज क्या हुआ, नॉर्मल बन गया, लाइफ का साथ जुड़ गया, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड न्यू नॉर्मल। नाउ फेस ऑफ डीएक्शन का जो फ्यूचर है, आपको भी कुछ न्यू नॉर्मल लेकर आना है। नहीं मैं कभी कभी करूंगा, जब गिफ्ट दिया जाता है कब करूंगा, कंपनी कुछ बोलता है तब करूंगा, अप्लाई फोन करते हैं तब करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले 1000 PV नॉर्मल था, 3000 PV नॉर्मल नहीं था, लोग बोलते थे 3000 PV करो, 1000 में तो बोनस आता है, 3000 क्यों करो, 690 PV था, सही है ना, 690 PV था, अभी 690 PV करेंगे कोई लोग, 690 PV कोई करेगा, कुछ भी कोई नहीं करेगा, क्योंकि दैट बिकम ये न्यू नॉर्मल। जब 1000 PV हो रहा था लोग 1000 PV कर रहे थे, 3000 की बात कर रहे थे, 1000 PV के लिए दो दो ढाई लाख के चेक गए लोगों के, हमारे सामने गए, ओनली कर पाए, ओनली जस्ट चेंजिंग द कॉल। अभी देखो 1000 PV जब नॉर्मल बन गया, जब हम 3000 का बात करते थे तो लोग सोचते थे 3000 क्यों करो, इतना दबाव क्यों डाल रहा है कंपनी मेरे ऊपर, कुछ लोग अपना लिए, कुछ लोग दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग ऑन दिस पॉइंट, 3000 में क्यों करो, 3000 करने की लायक फायदा क्या है, बिकॉज 1000 में तो बीवी आ जाता है, बट लोगों को यह समझा गया है भाई तू डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर है प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है, कंपनी इतना प्रोडक्ट लेकर आ रहा है तुझे डिस्ट्रीब्यूट करवाने के लिए, अगर तू डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा तो डिस्ट्रीब्यूटर कैसा बनेगा, जब तू डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनेगा तेरा बिजनेस कैसा होगा। इन लोगों को धीरे धीरे समझ में आया तो 3000 PV क्या हुआ, नॉर्मल हुआ। अभी देखो इंडिया में जितने भी एक दो तीन महीने के मेंबर है ऑटोमेटिकली दे आर डूइंग 3000 पर्सनल पीवी, कुछ भी लोग हैं अभी 1000 PV में अटके हुए हैं उनका फ्यूचर नहीं है, जो लोग 1000 PV का साथ अटके हुए हैं उनका फ्यूचर नहीं है, बिकॉज वो कंस्यूमर है, कंस्यूमर है, उनको कंस्यूमर रहने दो, बिजनेस में उनका फ्यूचर नहीं है। अभी न्यू नॉर्मल क्या है, न्यू नॉर्मल होना चाहिए 5000 पर्सनल पीवी, ये होना चाहिए आपका न्यू नॉर्मल आज से, ये महीने से क्या होना चाहिए, 5000 पर्सनल पीवी। यू अग्री, डू अग्री, ऑल अग्री, 5000 क्यों करना,
1000 में तो बोनस मिल जाता है, 3000 में तो पीजीपी भी कंप्लीट हो जाता है, तो 5000 क्यों? पेन और पेंसिल ये लोग कौन कौन कर रहे हैं, ये जरूरी है? नहीं नहीं कर रहे हम लोग, अब से कर रहे, पहले से कर रहे, चेक कर लो, लास्ट में होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले से करेंगे नहीं करेंगे, पहले मैंने मास्क पहना था नहीं पहना था, दैट इज डिफरेंट। बट कोरोना आया क्या हुआ, सारे लोगों को पहनना ही पड़ा। अगर आप कंज्यूमर हो या पार्ट टाइम या सॉरी फॉर एग्जांपल टाइम पास के लिए बिजनेस करना चाहते हो तो आप 1000 कर लो, 600 कर लो, 700 कर लो, कोई माने नहीं रखता है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो, आपका एक टर्नओवर होना बहुत जरूरी है। हर एक कंपनी में एक टर्नओवर रहता है, और कंपनी का टर्नओवर कितना है, ये कंपनी का टर्नओवर कितना है, ये कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ है, वो कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ है, ये कंपनी का टर्नओवर इतना है, ये बंदा ने इतना सेल किया, वो डिस्ट्रीब्यूटर ने उतना करोड़ का सेल किया। नाउ द क्वेश्चन इज यू आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटर, यस और नो? यस। नाउ द क्वेश्चन इज आपका टर्नओवर कितना है? सर मेरा टर्नओवर 30 लाख फीम, यू फॉरगेट 30 लाख फीम, आपका टर्नओवर, मैं आपका ग्रुप का बात नहीं कर रहा हूं, आपका टर्नओवर, आपका पर्सनल टर्नओवर क्या है? सो पर्सनल टर्नओवर अगर हम 5000 नहीं कर सकते, 5000 हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 15000। 30 दिन में अगर 15000 प्रोडक्ट बेचने का लायक मैं नहीं हूं तो मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगा? इतने प्रोडक्ट है, अगर पहले देखते तो सिर्फ आरजीजीएल था, अभी देखो कितना है, अब जो भी प्रोडक्ट मांगो वहां पे है, आयुर्वेदिक रेंजेस है, ये है वो है, जितने भी प्रोडक्ट है और इतने प्रोडक्ट आने वाले हैं, ये सारे प्रोडक्ट आने का मकसद क्या है? मकसद क्या है? मकसद ये है, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर अभी 4000 कर रहा है, 15000 कर रहा है, एक नया प्रोडक्ट आएगा तो ये 1500 हो जाएगा, अभी 2 प्रोडक्ट आएगा तो ये 16000 हो जाएगा, अभी 2 प्रोडक्ट आएगा 18000 हो जाएगा, और 2 प्रोडक्ट आएगा 20000 हो जाएगा। बट कुछ लोगों का कहानी तो दूसरा है, जब 5 प्रोडक्ट था तब भी 3000, 50 प्रोडक्ट हो गया तब भी 3000, अगर 500 प्रोडक्ट आ जाएगा तो इतने प्रोडक्ट आने का फायदा किसे मिला? क्यों चाहिए हमें प्रोडक्ट? क्यों चाहिए प्रोडक्ट? इसलिए चाहिए मेरा टर्नओवर को बढ़ाने के लिए। यू अग्री? यस। सो दिस 5000 शुड बिकम ए न्यू नॉर्मल, ये पहला नॉर्मल है एफओडी का फ्यूचर, ये एक नॉर्मल होना चाहिए। इसके लिए ऑफर क्या है, गिफ्ट क्या है, ये दे दो वो दे दो, कुछ नहीं देगा कंपनी, ये होना चाहिए आपका नॉर्मल। आर यू रेडी? यस। कितने लोगों का 5000? कौन कौन रेडी? सब रेडी, ये तो मुझे पता है ये तो मुझे पता है आप सब लोग रेडी हो, बट माई क्वेश्चन इज नॉट अबाउट यू, माई क्वेश्चन इज नॉट अबाउट यू, how you are going to implement this 5000 in your team, आपका टीम में एक कैसा करवाएंगे, वो आपका चैलेंज। नेक्स्ट टाइम प्लीज आके मुझे ये मत बोलना सर मैं क्राउन डायमंड हूं, मेरा देखो 5000 पर्सनल टीम, प्लीज ये इतना शर्मिंदा मुझे मत करो, आपका पूरा टीम में आप खुद 5000 कर दिए और आप खुश हो गए मैंने 5000 कर लिया, प्लीज डोंट डू दैट, इट शुड बिकम न्यू नॉर्मल। आपका हर एक बंदा, आपका टीम में जितने भी लोग हैं, सारे लोगों का क्या होना चाहिए? 5000। ये हमारा हाथ में है, वो 5000 क्यों करना है और कैसा करना है, इसका ट्रेनिंग, इसका मोटिवेशन कौन देगा? हम देंगे। हम ये हमारा जिम्मेदारी है, आपसे हमारा जिम्मेदारी है इसे एक स्ट्रेटेजी बनाना। एक बंदा 5000 क्यों नहीं कर पा रहा है, उसका अंदर क्या क्या दिक्कत होता है वो 5000 करने में, ये पहला सोचो। पहला ये मत बोलो तू 5000 कर, पहले ये सोच लो वो 5000 क्यों नहीं करेगा,
क्या क्या कारण से वो 5000 नहीं कर पाता है, फिर वो कारण का आंसर दुनो, ये कन्विंसिंग आंसर दुनो, जो आंसर को आपका डिस्ट्रीब्यूटर रिफ्यूट नहीं कर सकता, देन उसे ये समझाओ, देन वो आंसर आप रेडी हो अभी, देन यू शुड बिकम योर न्यू नॉर्मल. यू एग्री विथ दिस वन? यस सर. ये फ्यूचर है एफओडी का. सिक्स लाइन स्ट्रक्चर, इसके लिए क्या ऑफर? इसके लिए कोई ऑफर नहीं है. प्लीज डोंट आस्क वही. ये नॉर्मल सर, मैं सांस लेता हूं, मुझे क्या देंगे? ऐसा है सर, मैं दिन में हर सोने के टाइम भी मैं सांस लेता हूं, बैठने के टाइम भी सांस लेता हूं, तुम क्या दोगे? अरे भाई तू सांस नहीं लेगा तू खुद मरेगा. तुझे देने के लिए कुछ जरूरत नहीं है. ये तेरा मिनिमम काम है. मिनिमम काम करने के लिए तुझे क्या चाहिए? When you want to build business, अगर आप कंज्यूमर हो then it's a different story. है मैं उनका ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है, वो जितना कर सकते हैं उतना करो, बिजनेस करना चाहते, बिकॉज दे आर कंज्यूमर, उनका मकसद दूसरा है. बट हमारा मकसद दूसरा है, हमारा मकसद फाइनेंशियल फ्रीडम है. जब हमारा मकसद फाइनेंशियल फ्रीडम है, दिस सिक्स लाइन को एक्टिवेट करना ये नॉर्मल होना चाहिए. क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए. दो लाइन को पालना छोड़ दो, उसे पीवी थोड़ा देना, उसे क्वालिफाई करना, इसे क्वालिफाई करना, ये सब आदत डालकर 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 क्या हो जाता है, वो मेंबर आपका ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है. जब आप उसे पीवी से मदद नहीं करोगे, आप बुरे बन जाते हो. मैंने 2500 किया, तो क्या 500 भी नहीं देगा? वो हक बन जाता है उसका. यू नो दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग. अच्छा थोड़ा मुझे दो भाई, मैं तुझे क्यों दू? वाई आई शुड गिव यू? ये तेरा बिजनेस है. जो आपसे पीवी मांगता है, पीवी का मदद मांगता है, उनका कोई फ्यूचर नहीं है. उसका टाइम भी बर्बाद, आपका टाइम भी बर्बाद. उनको छोड़ दो, नया लाइन शुरू करो. अगर आपका पास लाइन भी नहीं है, नो प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड्स, आपका अंदर ताकत है. ये याद रखना, आपका अंदर ताकत है. अगर कोई छह लाइन में अभी आपका नीचे है, कोई आपको मदद करने के लिए रेडी नहीं है, नया छह लाइन खोलो. आप खोल सकते हो, आप कर सकते हो. पुराना जो लोग लंगड़ा लुंगड़ा, उसका साथ ज्यादा दिन नहीं जा सकता. उसका लाइब्रेरी लेकर आप कितना देर चाहेंगे बताओ? आपको दौड़ना है और पीछे से घसीटता है 500 पीवी दो, 1000 पीवी. कैसे दौड़ेंगे? दौड़ सकते हैं? नहीं दौड़ेंगे. ये जो घसीटता है उसे छोड़ दो, वो कोई लायक नहीं है. जो बंदा जो आपको इंडिपेंडेंट कर सकता है, उसका साथ काम करो. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो मेहनत है, आपका जो पावर है, ये आपका एक कमजोर डाउनलाइन ही आपको कमजोर बनाते हैं. याद रखना, आपको कमजोर बना देते हैं. आपका जो पावर को बाहर आने नहीं छोड़ते हैं, आप उसका ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो. आपका अंदर में एक डर आ जाता है, अगर इसे छोड़ दूं तो मैं नया से शुरू करना. तो इसीलिए इसे थोड़ा संभाल लो, इसे थोड़ा संभाल लो, इसे थोड़ा संभाल लो. कितना महीना हुआ संभाल के, कितना साल हुआ संभाल के, साल चला गया, बट ये बंदा अभी तक नहीं संभाल. सही है गलत? सही. ये हो रहा है नहीं हो रहा है? तो ये आपका हकीकत है. शायद आपको अच्छा लगे या बहुत अच्छा लगे, ये आपका हकीकत है. ऐसे कैरेक्टर को छोड़ दो प्लीज. ऐसे कैरेक्टर आपको सामने जाने नहीं देगा, उसे छोड़ दो. अगर तू आना है, तू खुद चलकर आ, अदरवाइज तू वहीं रुक जा. जब तेरा अंदर ताकत आता है खुद चलने का, तब चलकर आ. मैं तेरा साथ हूं, बट मैं तुझे पालूंगा नहीं. आज से पालना बंद. जब टीम छोटा रहता है, उसे पालना अच्छा रहता है. सही है ना? जब मेरा बच्चा 3 साल का रहता है, मैं जब 3 साल का था, मेरा डैडी मेरा हाथ पकड़कर रोड क्रॉस करते थे. लोग दे टेल वेरी गुड फादर, रिस्पॉन्सिबल फादर. जब मैं 30 साल बन गया, मेरा डैडी मेरा हाथ पकड़ के ही इज नॉट ए गुड फादर. बिकॉज वो फादर लिखना भी नहीं सीखा 30 साल में, वो बच्चा को रोड कैसा
क्रॉस कर रहा, क्या फादर है, इतना भी नहीं सीखा। सोच के देखो ऐसे बच्चे आपका साथ है या नहीं। जब हाथ पकड़ा स्टार एजेंट का टाइम आपका हाथ पकड़ा, अभी वो स्टार डायमंड भी हो चुका है बट हाथ पकड़ के ही चल रहा है, चलता उसका हाथ काट दो छोड़े। वो आपके ऊपर लायबिलिटी है माय डियर फ्रेंड्स, ही इज योर लायबिलिटी, इट्स अ हार्ड ट्रूथ, ये कड़वा सच है बट ये सच है। मोस्ट ऑफ योर टाइम, आपका टाइम बर्बाद होता है इन लोगों से, तो ये छह लाइन शुड बी योर न्यू नॉर्मल, ऐसा लाइन होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट चल सकता है। न्यू नॉर्मल डायमंड, डायमंड होना चाहिए, स्ट्रांग डायमंड। अच्छा ये बात मुझे बताओ, जब स्टार एजेंट बन जाता है, जब एक बंदा स्टार एजेंट बनता है, कितना बीवी चाहिए उसे? 45,000 चाहिए। जो स्टार एजेंट 3,000 खुद कर लेता है, ये एक स्टार एजेंट का ग्रुप बीवी कितना होना चाहिए? मेरा 3,000 छोड़ दो, मैं स्टार एजेंट हूं, मैं 3,000 हो गया, मेरा टीम से कितना बीवी नॉर्मली आना चाहिए? 50,000 कम से कम 25,000 प्रैक्टिकली बोलो, आपका सारे जन वो कर रहा है या नहीं कर रहा है सोच कर बोलना। 25,000 एक सारे जन कितना करना चाहिए? 25,000 20 भी छोड़ दो, 25 भी छोड़ दो, 10,000 पकड़ो, कितना? 10,000 ओनली 10,000 ओनली 10 गुड पीपल। एक स्टार एजेंट का साथ कितना लोग होना चाहिए? 10 डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए। ऐसा स्टार एजेंट अगर आप कन्वर्ट करो, जितने भी स्टार एजेंट है उसको टारगेट दो, क्या टारगेट है? मिनिमम 10 क्वालिटी पीपल इन हिज टीम, पूरा टीम में। वो स्टार एजेंट का टीम में कितना होना चाहिए? 10 लोग। अगर मेरा 6 लाइन है, 10 10 10, तो कितना हुआ? 60 पीपल, मेरा पर्सनल ग्रुप से और 10 पीपल, सो एक डायमंड का 70 पीपल पर्सनल पीवी क्वालिफाइड होना चाहिए, ये होगा मजबूत डायमंड। यस यस, ये डायमंड है चमकने वाला डायमंड, और सारी डायमंड है नकली डायमंड। ये चमकने वाला डायमंड हमें चाहिए, कितना लोग चाहिए हमें हर एक डायमंड के साथ? व्हेन यू टॉक योर डायमंड यू टॉक द सेम वे आई टॉक। स्टार एजेंट से शुरू करो, स्टार एजेंट शुड 10 पीपल, 6 × 10 = 60, मेरा खुद 10, तो डायमंड शुड हैव 70 पर्सनल पीवी क्वालिफायर्स, देन ही इज ए क्वालिफाइड डायमंड। जब ये 70 क्वालिफायर्स होता है, इसमें 20 लोग ऐसे बन जाएंगे 5,000 पर्सनल पीवी करने वाले, 20 लोग ऐसे रहेंगे 3,000 पर्सनल पीवी करने वाले, और 30 लोग ऐसे रहेंगे 1,000 पर्सनल पीवी करने वाले। अगर ये होगा, हर एक डायमंड का ग्रुप पीवी होगा 2,00,000, हर एक डायमंड का मिनिमम गारंटीड इनकम होगा 20,000। अभी डायमंड का इनकम कितना है? कुछ डायमंड 15,000 20,000। आपका मुंह में शक्कर अगर ऐसा हो तो हो रहा है डायमंड नहीं नहीं सर ये हो रहा है। डायमंड का इनकम 1,00,000 भी है बट नॉर्मली डायमंड का इनकम कितना होता है? 3,000 4,000 इतना ही रहता है, बिकॉज वो कमजोर डायमंड है, उसका साथ नेटवर्क नहीं है, वो दो लाइन पालने वाला डायमंड है। काफी लोगों का साथ डायमंड ऐसे ही रहता है, सो नाउ आवर न्यू नॉर्मल शुड बी डायमंड शुड बी लाइक दिस। अगर ये हो जाता है, दिस इज आवर स्ट्रक्चर, हर एक डायमंड ऐसा होना चाहिए, और ये हुआ हमारा नया FOD, और इसके लिए आज से प्रमोशन शुरू होने वाला है, आज से। क्यों इतना बड़ा प्रमोशन? न्यू नॉर्मल बना
ये प्रमोशन आज से शुरू होने वाला है आपके लिए माय डियर फ्रेंड्स, ये ऑफिशियली अनाउंस कर रहा हूं। दिस इज योर टारगेट। क्या टारगेट है? डायमंड 70% पीवी क्वालिफायर, 25,000% पीवी, 23,000% पीवी, 31,000% पीवी क्वालिफायर। हर एक डायमंड को बोल दो आज से ये प्रमोशन शुरू हो रहा है। और ये प्रमोशन कितना दिन तक चलेगा? एज पर योर विश। अब जितना दिन चाहते हो उतना दिन ये प्रमोशन चलेगा। और इसका गिफ्ट तो चाहिए। यू वॉन्ट गिफ्ट? ये गिफ्ट क्या है? ये प्रमोशन का गिफ्ट इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, ये गिफ्ट मोटिवेशन है। ये गिफ्ट का अंदर क्या है? ये गिफ्ट का अंदर है योर पेरेंट्स, आपका मां और आपका बाप, योर पेरेंट्स। अभी ये प्रमोशन हम किसके लिए करेंगे? फॉर आवर पेरेंट्स, उनको एक अच्छा लाइफ, जो बुढ़ापे में हमारे लिए इतना कष्ट करके हमने पाला कोसा, बट उनको तो कुछ सुकून देना कैसे देंगे? प्यार से ज्यादा सुकून नहीं मिलता है। सुकून के लिए पैसा की जरूरत। जितना भी बोल लो आपका बाप से आई लव यू डैडी, आई लव यू डैडी, एक शर्ट लेकर देख, शर्ट नहीं, आई लव यू डैडी, आई लव यू, तेरा लव को उठा के फेंक, कुछ भी नहीं देता है, लव करता है लव। सही है गलत है? कुछ लव 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 करके लव का क्या मतलब है? जब एक चीज देने की ताकत मेरा अंदर नहीं रहता है, उनकी जरूरत को पूर्ण करने की ताकत मैं नहीं रखता हूं, तो सिर्फ प्यार में, बात में, हवा में कितना दिन चलेगा प्यार? नहीं चलेगा ना। फॉर योर पेरेंट्स माय डियर फ्रेंड्स, वो आपसे नहीं पूछते, बट ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गिव देम ए गुड लाइफ। ये है, ये जो एफओडी प्रमोशन का जो गिफ्ट है, ये आपका पेरेंट्स का सुंदर फ्यूचर। ये जो एफओडी प्रमोशन है, ये आपका बच्चे का फ्यूचर। आपका जो किड्स है उनका जो फ्यूचर है वो कौन बनाएगा? ये एफओडी यानी जो बन, ये डायमंड 70% पीवी क्वालिफाइड, ये याद रखना। इसका एक दिन साइबर विल का कोई गिफ्ट नहीं है, इसका गिफ्ट गोल्ड फिंच में या ताज होटल में नहीं है, इसका गिफ्ट कोई कप भी नहीं है, इसका गिफ्ट है आपका बच्चों का अच्छे पढ़ाई, उनका अच्छा फ्यूचर। ये गिफ्ट मिलेगा व्हेन यू अचीव दैट एफओडी, द रियल एफओडी फ्यूचर। और ये एफओडी फ्यूचर का असली ताकत है ये गुड मैरिज फॉर योर चिल्ड्रन। आपका बच्चे को एक अच्छा शादी कर देना हमारी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी करेगा दिस एफओडी फ्यूचर का जो प्रमोशन। दिस एफओडी फ्यूचर इज फॉर अवर वाइफ एंड फॉर, प्यार कर लो, एक साड़ी लेकर दो, देन देखो प्यार कितना बढ़ता है। आपका इच्छा, आप गाउन ले लो, आप गहना भी ले लो, जो भी आप देने चाहते हैं दे लो। दिस इज डिपेंड ऑन योर वाइफ, आपका वाइफ का डिमांड कैसा रहता है। सही है ना? वो पूछते नहीं है, वो पता है। अगर मैं पूछूं, बंदा ऑलरेडी दुखी है, 25 तारीख के बाद पॉकेट में पैसा नहीं रहता, इसके लिए मैं क्या पूछूं बेचारा। वो बोलती नहीं है, बस समझ लेती है। इतना बेचारा, कितना दिन हम बेचारा बनेंगे? कितना दिन ये बेचारा रहेगा? ऐसा ही रहेगा बेचारा बेचारा करके, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गया, अभी बेचारा बनने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एफओडी प्रमोशन आज से चालू है, एफओडी फ्यूचर प्रमोशन आज से चालू है माय डियर फ्रेंड्स। अगर ये हो जाएगा, हर साल टीएसआई ऑटोमेटिक हो जाएगा। हर साल डीएसए ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा, डीएक्शन साइबर वर्ल्ड में हर साल आप ये रूम में, ये जो देखो ये आपका कमरा है, नोट करके रख लेना, यही आप है, दूसरे कमरे में नहीं, यही कमरे में, याद रखना। वो उनके लिए, ये आपके लिए। सही है ना? इतना बड़ा ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, ये सब करने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ वॉल्यूम नहीं चाहिए, वॉल्यूम का साथ स्ट्रक्चर भी चाहिए, स्ट्रक्चर का साथ क्वालिटी डायमंड चाहिए आपका साथ। ये क्वालिटी डायमंड करने का काम आज से आप शुरू करो, देन यू विल सी
द वंडर, इट विल बिकम योर न्यू नॉर्मल. मलेशिया जाना आपके लिए अच्छा लगता है? अच्छा लगता है मलेशिया जाना? यस सर. मुंबई वालों के लिए पुणे जाना अच्छा लगता है? बिकॉज वो नॉर्मल है. ये मलेशिया जाना आपके लिए न्यू नॉर्मल बन जाएगा. यस यस यस, ये न्यू नॉर्मल बन जाएगा. मलेशिया जाना मे बी आफ्टर 5 इयर्स आपको अच्छा नहीं लगेगा. क्यों? बार बार तो जाते हैं, ऐसे ही तो जाते हैं. कंपनी लेकर जाता है, काम काम घुमाता है, बार बार मलेशिया जाते हैं. अब मैंने टीएसए क्वालिफायर को बोला मलेशिया लेकर जाएंगे सर, बट सर कितने बार सही है ना. सिद्धि के साथ हमें जब पूछते सर बार बार माइक क्यों जाना है, कहीं दूसरे जगह में लगाओ. सो बिकॉज दी इट बिकम ए न्यू नॉर्मल. सो आप अगर आपका पीवी जो मैं बोला था वो न्यू नॉर्मल बन गया, ये बन जाएगा आपका न्यू नॉर्मल. जब ये न्यू नॉर्मल बन जाएगा, योर दिस इज योर फ्यूचर. ये हंसी कब आएगा? ये खुशी कब रहेगा? ये कुछ कब रहेगा? इसका साथ सेहत रहेगा, और इसका साथ पैसा रहेगा, और इसका साथ समय का आजादी रहेगा. थोड़ा थोड़ा प्रोफेसर जैसा भी लगता है मुझे, सही है ना. आज देखो कहां घूमते हैं, कैसे घूमते हैं पता नहीं, बट 30 लाख 25 लाख 50 लाख हर महीना आता ही जाता है, आता ही जाता है. बिकॉज दैट बिकम ए न्यू नॉर्मल. बट यू सी द क्राउन एम्बेसडर, जब हम क्राउन एम्बेसडर से बात कर रहे थे, बोलीविया क्राउन एम्बेसडर, उन क्राउन एम्बेसडर उनका कितना पैसा आता है यू कैन नॉट इमेजिन. 80 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़, 20 लाख महीने का बोनस. कैन यू इमेजिन? सेम चीज उन लोगों भी आप जो कर रहे हो वही कर रहे थे, बट स्ट्रक्चर के साथ कर रहे थे, लायबिलिटी विदाउट लायबिलिटी कर रहे थे. ये आप करना शुरू करो, you will have a bright future, your FOD will be stronger, your network will be stronger. ये पूरा FOD का मकसद यही था. आपको ये कब देना ये मकसद नहीं, ये शुरुआत है. बट यहां देकर ये समझाना आपको आपका फ्यूचर कहां है, आपका फ्यूचर के लिए आपको काम पे फोकस करना है, प्रमोशन के लिए काम करना नहीं. प्रमोशन आता है अच्छा है, साइड में मिल जाएगा, बट हर प्रमोशन का अंदर एक आत्मा रहता है, हर प्रमोशन का अंदर एक सोल रहता है. वो सोल को पकड़ो, वो आत्मा को समझो, उसके लिए काम करना शुरू करो. यू विल बिकम फाइनेंशियली फ्री. एंड थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट एंड गो फॉर.